एलियम सीपा, कॉमन नेम अनियन, फैमिली लिलिएसी। फिजिकल जनरल्स, एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद इंक्रीज्ड सिक्रीशन, ये एक्यूट कंडीशन की मेडिसिन है। कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, और इस मेडिसिन को दिया जाता है जब एयरवेज की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है, तब हम एलियम सीपा को कंसिडर करते हैं। अगर हम कैटरल देखें, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कैटरल, तो टर्म कैटरल का ही मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एयरवेज, स्पेशली ऑफ एयरवेज। तो इस मेडिसिन को हम देते हैं जब एयरवेज की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है, तब विद इंक्रीज सिक्रीशन, जिसकी वजह से, मीन्स म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन की वजह से सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज्ड हो जा रहा है। सिक्रीशन से यहाँ मतलब है कि जो डिस्चार्जेस होते हैं, लाइक जैसे आँख बहना, आँख से पानी आना और नाक से पानी आना, उस कंडीशन में हम एलियम सीपा को देते हैं। ओके, सो सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, मीन्स डिस्चार्जेस जो हैं, रनी डिस्चार्जेस होते हैं, वाटरी डिस्चार्जेस होते हैं आइज़ से, नोज़ से, उस कंडीशन में हम एलियम सीपा को देते हैं। तो एलियम सीपा, जैसे इसका कॉमन नेम है अनियन, मीन्स प्याज, तो जैसे जब प्याज को हम काटते हैं तब भी हम देखते हैं कि हमारे आँख से पानी बहता है, आँख से आंसू आने लगते हैं, पानी बहते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं उसको याद रखने के लिए। ओके, सो एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद इंक्रीज सिक्रीशन। कैटरल मतलब कि एयरवेज की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, उस कंडीशन में हम एलियम सीपा को दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट एंड SRS टॉक्स में भी है। ओके, भीग जाने की वजह से, गेटिंग वेट, भीग जाने की वजह से जो बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कंप्लेंट्स आती हैं, उसमें भी हम एलियम सीपा को देते हैं। और दूसरी मेडिसिन है इसकी रस्टॉक्स। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं फिजिकल जनरल्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में MCQs के फॉर्म में इसको पूछा गया है। देन कम्स हेड, कैटरल डल हेडेक विद कोराइज़ा, सर में दर्द होता है, हेडेक होता है विद कोराइज़ा, ज़ुकाम के साथ, ज़ुकाम होता है और सर में जब दर्द होता है, तब हम एलियम सीपा को दे सकते हैं। एग्रेवेशन इन द इवनिंग, एमिलरेशन इन ओपन एयर, एग्रेवेशन होता है इवनिंग में और एमिलरेशन आराम मिलता है ओपन एयर में। एग्रेवेशन ऑन रिटर्निंग टू ए वार्म रूम, तो जब आराम मिल रहा है ओपन एयर में, एमिलरेशन जब ओपन एयर में है तो एग्रेवेशन ऑब्वियसली जब वार्म रूम में रिटर्न, जब वापस आएंगे वार्म रूम में तो एग्रेवेट कर जाएगी कंडीशन। कंपेयर इट विद यूफ्रेशिया एंड पल्सेटिला, अभी इसका कंपैरिजन आगे हम देखेंगे मोडालिटीज़ में, वहाँ पे क्लियर दिया हुआ है यूफ्रेशिया और पल्सेटिला का। बट यूफ्रेशिया में एलियम सीपा का ऑपोजिट होता है मोडालिटीज़, और पल्स का जो है वो सेम होता है, जो मोडालिटीज़ एलियम सीपा की है वही पल्स की भी होती है, और यूफ्रेशिया की जो मोडालिटीज़ हैं वो एलियम सीपा से ऑपोजिट होती है। सेकेंड पॉइंट, हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपीयर्स, लैकेसिस जिनकम, कैटरल डल हेडेक। हेडेक जो है, जो सर में दर्द होता है, सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के टाइम पे वो कम हो जाता है, और जब फ्लो डिसअपीयर होता है, जब फ्लो ख़त्म होने लगता है, तो सर दर्द जो है वो रिटर्न कर जाता है, वापस आ जाता है। हेडेक इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेंसेस कह सकते हैं, फ्लो। ओके, अगर फ्लो ज़्यादा है तो हेडेक कम रहेगा, और अगर फ्लो कम होता है तो हेडेक जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा लैकेसिस में भी है और जिंकम में भी है, कैटरल डल हेडेक। ये पॉइंट ऊपर यही वाला कि सर में दर्द होता है, ओके, ड्यू टू कैटरल कंडीशन, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ एयरवेज। देन कम्स आइज, आइज बर्निंग, बाइटिंग, स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक, मस्ट रब देम। आइज में
बर्निंग जलन होती है, बाइटिंग जैसा लगता है कि कुछ काट रहा है ऐसा पेन होता है, स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक, जैसे धुआं, जैसे आँख के सामने जब स्मोक आ जाता है तो जैसा फील होता है, आँख में जिस तरह से जलन होती है उस तरह सा फील होता है, एंड मस्ट रब देम, जिसकी वजह से उसको अपनी आँखों को बार बार रब करना पड़ता है, वो अपनी आँखों को रब करता है. ओके, सेकेंड पॉइंट, वॉटरी एंड सफ्यूज्ड, इसकी जो आईज़ होती हैं वो एकदम पानी से भरी हुई होती हैं. सफ्यूज्ड मीन्स भरा हुआ होना, सफ्यूज्ड का मतलब होता है भरा हुआ. तो आँख जो होती है उसकी आईज़ जो होती है वो पूरी पानी से वॉटरी होती है और पानी से भरी हुई होती है. कैपिलरीज इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लैक्रिमेशन, और आँख से बहुत ज़्यादा उसके पानी गिरता है. पेशेंट को आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा उसकी आँख से पानी, लैक्रिमेशन मीन्स आँख से बहुत ज़्यादा पानी आना. ठीक है, तो लैक्रिमेशन एलियम सीपा में है. एलियम सीपा, इसको जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि थोड़ा आप उसको रिलेट कर सकते हो कि जैसे प्याज काटते हैं तो आँख से जिस तरह से पानी आता है उसी तरह से आप ये इस चीज़ को याद रख सकते हो कि लैक्रिमेशन जो है एलियम सीपा में है. देन कम्स नोज, स्प्रिंग कोराइज़ा, स्प्रिंग में होने वाला कोराइज़ा, स्प्रिंग में होने वाला ज़ुकाम, आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, डैम्प विंड्स की वजह से कोराइज़ा में इस मेडिसिन को हम कंसिडर करते हैं. कोराइज़ा प्रोफ्यूज वॉटरी, कोराइज़ा ज़ुकाम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, एकदम पानी जैसा होता है, वॉटरी एंड एक्रिड नेसल डिस्चार्ज, और नाक से जो डिस्चार्ज होते हैं, जो नोज़ से जो पानी आता है वो बहुत ही एक्रिड होता है, मींस लगने वाला होता है, जैसे जैसे जो छिलने वाला नहीं होता है, जैसे लगता है कि वो एकदम जैसे कुछ छिल रहा हो, कुछ कोरोड कर रहा हो, कोरोडिंग, जो बहुत ज़्यादा कोरोडिंग डिस्चार्ज होते हैं, नेजल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा एक्रिड, बहुत कोरोडिंग होता है, लगने वाला, जैसे छिलने वाला होता है. विद प्रोफ्यूस ब्लैंड लैक्रिमेशन, लेकिन लैक्रिमेशन जो होता है वो ब्लैंड होता है, मींस जो आँख से उसके पानी आता है वो लगने वाला नहीं होता है. दो टर्म होते हैं, एक्रिड और ब्लैंड. तो एक्रिड और ब्लैंड ऑपोजिट टर्म्स हैं एक दूसरे के. एक्रिड मींस लगने वाला और ब्लैंड मींस जो लगता नहीं है. ठीक है, तो एलियम सीपा में जो नेजल डिस्चार्जेस हैं वो एक्रिड हैं, लगने वाले हैं, लेकिन जो आईज़ से जो डिस्चार्जेस हैं, जो आँख से पानी आता है जिसको लैक्रिमेशन बोलते हैं, वो ब्लैंड है, वो लगने वाला नहीं होता है. प्रोफ्यूज फुल ऑफ एक्रिड टीयर्स, ब्लैंड एंड फ्लुएंट कोराइज़ा यूफ्रेशिया, और यूफ्रेशिया में इसका ऑपोजिट होता है. यूफ्रेशिया में जो टीयर्स होते हैं, जो आँख से पानी आता है वो एक्रिड होता है, और उसकी जो कोराइज़ा, जो ज़ुकाम होता है वो ब्लैंड होता है. तो यूफ्रेशिया में एलियम सीपा का ऑपोजिट होता है. ठीक है, यहाँ पे दो डिस्चार्जेस की बात हो रही है, एक बात हो रही है नेजल डिस्चार्ज की और एक बात हो रही है लैक्रिमेशन की. दो डिस्चार्जेस की बात हो रही है, नेजल डिस्चार्ज नाक से जो पानी आ रहा है, नोज़ से जो डिस्चार्ज हो रहा है, और लैक्रिमेशन जो आँख से जो पानी आ रहा है. तो एलियम सीपा का जो नेजल डिस्चार्ज है वो एक्रिड है और लैक्रिमेशन जो है वो ब्लैंड है, लेकिन यूफ्रेशिया में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है. यूफ्रेशिया में जो लैक्रिमेशन है वो एक्रिड है और जो नेजल डिस्चार्ज है, जो कोराइज़ा है, वो ब्लैंड है. तो किसी एक को याद रखेंगे, लाइक एलियम सीपा का याद रख लेते हैं और यूफ्रेशिया का उसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे. ओके, तो एलियम सीपा का बस याद रखते हैं कि उसका नेजल डिस्चार्ज एक्रिड है और लैक्रिमेशन ब्लैंड है, और इसी का जस्ट ऑपोजिट जो है वो यूफ्रेशिया में है. यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है एलियम सीपा में और यूफ्रेशिया में. पेशेंट्स भी जब क्लिनिक पे आते हैं तो उसमें भी ध्यान देना पड़ता है कि वो क्या बता रहे हैं, कि उनका नेजल डिस्चार्ज एक्रिड है, कि उनका लैक्रिमेशन एक्रिड है. इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन दो मेडिसिन में मेनली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, एलियम सीपा में और यूफ्रेशिया में. सो आई सजेस्ट दैट जस्ट लर्न ऑफ वन, आप एलियम सीपा का याद कर लो एंड जस्ट डू द ऑपोजिट फॉर यूफ्रेशिया. ओके, दोनों का याद करने में कन्फ्यूज़न होता है,
सो इट इज़ बेटर टू जस्ट गो फॉर वन. ओके, एक का याद रखते हैं एंड सेकेंड जो है वो ऑटोमेटिकली उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. डिस्चार्ज बर्न्स एंड कोरोड्स नोज एंड अपर लिप. तो जैसा कि हमने देखा कि नेजल डिस्चार्ज जो है वो एक्रिड है, लगने वाला है, तो वही चीज़ है कि जो डिस्चार्ज है नोज़ से वो एकदम जलाने वाला कोरोडिंग डिस्चार्ज है. नोज़ से जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही कोरोडिंग डिस्चार्ज है. ओके, एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फ्रॉम टिप ऑफ नोज़. उसी पॉइंट को कह रहे हैं कि जो टिप ऑफ नोज़ से जो वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत ही एक्रिड है. और इसकी दो और मेडिसिन है, आर्सेनिक एंड आर्सेनिक आयोडेटम. ओके, नेजल पॉलिप्स की भी अच्छी मेडिसिन है एलियम सीपा. और नेजल पॉलिप्स की चार और मेडिसिन है ट्यूक्रियम एंड सैंग्यूनेरिया, सैंग्यूनेरिया नाइट्रिका एंड सोराइनम. ये चार मेडिसिन जो हैं नेजल पॉलिप्स की और भी हैं. ओके, एलियम सीपा के साथ. देन कम्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम. कॉलिक फ्रॉम कोल्ड बाई गेटिंग फीट वेट, ओवर ईटिंग फ्रॉम क्यूकम्बर्स सैलड्स, हेमरॉइडल ऑफ चिल्ड्रन, एग्रवेशन फ्रॉम सिटिंग, एमरेशन फ्रॉम मूविंग अबाउट. जो कॉलिक होता है वो कोल्ड से होता है, बाई गेटिंग फीट वेट, भीग जाने की वजह से. जैसा कि अभी हमने यहाँ पर भी इस पॉइंट को देखा था ना, बैड इफ़ेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट, तो उसी को यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा इलैबोरेट कर दे रहे हैं कि कॉलिक जो पेट में होने वाला दर्द है वो ठंड की वजह से, ठंड लगने की वजह से, और जो पैर भीग जाता है, वेट हो जाता है, उसकी वजह से. बेसिकली कॉलिक फ्रॉम गेटिंग वेट. ओके, भीग जाने की वजह से जो कॉलिक होता है उसमें हम इसको कंसिडर करते हैं. ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई हो उसकी वजह से जो पेट में दर्द होता है, तब भी हम एलियम सीपा को देते हैं. इस तरह के पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, क्लिनिक में आते हैं इस तरह के पेशेंट्स, तो ये सब उस वक्त उतना आप टू रिकॉल दैट थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यू शुड कीप दिस इन माइंड. लाइक ओवर ईटिंग की वजह से अगर कॉलिक हो रहा है तो वी कैन कंसिडर एलियम सीपा. फ्रॉम क्यूकम्बर्स, क्यूकम्बर खाने की वजह से, क्यूकम्बर मीन्स खीरा, खीरा खाने की वजह से, सैलड्स, सैलड्स को खाने की वजह से, और हेमरॉइडल, बच्चों में जो हेमरॉइडल, हेमरॉइड्स की वजह से जो कॉलिक होता है उसमें भी इसको दिया जाता है. एग्रवेशन फ्रॉम सिटिंग एंड एमिलियरेशन फ्रॉम मूविंग अबाउट. देन कम्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लीबाइटिस, प्यूरपुरल आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी. सो फ्लीबाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स. तो वेन में इन्फ्लेमेशन की अच्छी मेडिसिन है प्यूरपुरल. प्यूरपुरल की वजह से या फोर्सेप्स डिलीवरी की वजह से अगर फ्लीबाइटिस की कंडीशन आ गई है तो हम इसको दे सकते हैं. प्यूरपुरल मींस होता है पोस्टपार्टम पीरियड, जो होता है 6 वीक्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, उसको प्यूरपुरल पीरियड बोलते हैं या पोस्टपार्टम पीरियड जिसको बोलते हैं. उसमें अगर फ्लीबाइटिस हो रहा है या फोर्सेप्स डिलीवरी के बाद अगर फ्लीबाइटिस की कंडीशन आ गई है तो इस मेडिसिन को कंसीडर किया जा सकता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, हे फीवर इन ऑगस्ट एवरी ईयर, वॉयलेंट स्नीजिंग ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस. हे फीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है ये, स्पेशली ऑगस्ट मंथ में इसको दिया जाता है एवरी ईयर. हे फीवर का मींस होता है, मतलब होता है एलर्जिक राइनाइटिस. हे फीवर बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस को, जिसमें कोल्ड लाइक सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि वही जैसे वाटरी डिस्चार्जेस होना, इची नोज़ होना, वाटरी डिस्चार्जेस फ्रॉम नोज़ आइज़, तो उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं या फिर हे फीवर बोलते हैं. अगस्त मंथ की बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा छींक आती है, वॉयलेंट स्नीजिंग ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस. पीचेस, पीच जो फ्रूट होता है उसको हाथ में लेने की वजह से, उसको हैंडल करने की वजह से या उसको खाने की वजह से, पीचेस, पीच फ्रूट की वजह से जो कंडीशन होती है उसमें हम इसको कंसिडर करते हैं. ये अगस्त की बहुत, अगस्त मंथ में देने जाने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है. ये क्वेश्चन वाइवा में बहुत पूछा जाता है कि अगस्त मंथ की, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का कि अगस्त मंथ की कौन सी मेडिसिन होती है. ओके, सो अगस्त मंथ की मेडिसिन है एलियम सीपा.
A for August, A for Allium sepa. Then comes second point, catarrhal laryngitis. Catarrhal inflammation of larynx. Cough compels patient to grasp the larynx, seems as if cough would tear it. लैरिंजाइटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, और जो उसको कफ जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट जो है अपने लैरिंग्स को, अपने गले को ऐसे पकड़ लेता है अपने हाथ से, उसको एकदम ग्रास्प कर लेता है. ओके, सीम्स एज इफ कफ वुड टियर इट, ऐसा लगता है कि वो जो खांस रहा है उसकी वजह से उसका जो लैरिंग्स है वो इट विल टियर अपार्ट. ओके, एक्सट्रीमिटीज़ sore and raw spots on feet, especially heel, from friction. बहुत ही sore, बहुत ही painful spots पड़ जाते हैं feet पे, painful जिसमें बहुत redness होती है, ऐसे spots feet पे पड़ जाते हैं, especially heel वाले area पे, from friction. फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन मींस रगड़ की वजह से, जैसे चलते हैं और कुछ ऐसा फुटवेयर हमारा ऐसा है जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से रेडनेस हो जाती है. अक्सर ऐसा हो जाता है कि फुटवेयर हमारा ऐसा है, जो भी हमने सैंडल या शूज़ ऐसे पहने हुए हैं जिस जो रगड़ खाने की वजह से, जिसमें कि बहुत से रेड रेड स्पॉट्स बन जाते हैं जो कि बहुत पेनफुल होता है, तो उस कंडीशन में भी हम एलियम सीपा को दे सकते हैं. Efficacious when feet are rubbed sore. Dioscorides. Okay. Then comes panuretia with red streaks up the arm, pains drive to despair in childbirth. Panuretia medical term है, जिसका मतलब होता है कि acute condition है, acute purulent inflammation of a digit, finger. Okay. Pus inflammation हो जाना finger में, digits में इन्फ्लेमेशन हो जाना और पस फॉर्मेशन होना. प्यूरुलेंट का मतलब होता है PURULENT, प्यूरुलेंट का मतलब होता है पस फॉर्मेशन होना. तो पैनरीशिया की कंडीशन में इसको देते हैं, जिसमें कि रेड स्ट्रीक्स बन जाते हैं, लाल लाल ऐसे स्ट्रीक्स मींस ऐसे लाइन ऐसे बन जाना, स्ट्रीक्स ऐसे बन जाना, और ये स्ट्रीक्स जो है पूरा ऊपर आर्म तक जाता है, फिंगर से होता हुआ पूरा आर्म तक ऐसे जाता है, मतलब एक लाइन में ऐसे रेड स्ट्रीक्स बन जाना. पेंस ड्राइव टू डिस्पेयर इन चाइल्ड बेड, और बहुत ज़्यादा वो पेनफुल होता है. ठीक है, तो एक्सट्रीमिटीज़ में ये दोनों चीज़ हम देख सकते हैं, पैनरीशिया की कंडीशन में भी और फ्रिक्शन की वजह से जो रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, उन दोनों कंडीशन में हम एलियम सीपा को कंसिडर करते हैं. नर्वस सिस्टम, न्यूरालजिक पेंस लाइक अ लॉन्ग थ्रेड इन फेस, हेड, नेक एंड चेस्ट. न्यूरालजिक पेन होते हैं, नर्व्स में जो पेन होता है वो एक जैसे लगता है कि लॉन्ग थ्रेड, मतलब एक लंबी थ्रेड के अलोंग ऐसे, मतलब यही चीज़ है कि ऐसे जैसे लगता है लॉन्ग थ्रेड में ऐसे पेन हो रहा है. नर्व्स में जो पेन होता है वो ऐसे लगता है कि ऐसे जा रहा है, कैसे थ्रेड को पकड़ के ऐसे वो पेन जा रहा है, स्पेशली फेस में, हेड में, नेक में और चेस्ट में. ट्रॉमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस, न्यूराइटिस में भी इसको देते हैं. न्यूराइटिस मींस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स. तो जब नर्व्स में इन्फ्लेमेशन होता है ड्यू टू एनी ट्रॉमा, किसी ट्रॉमा की वजह से, ओके, किसी ट्रॉमा की वजह से जब न्यूराइटिस होता है तो उसमें ये अच्छा काम करती है ये मेडिसिन. देन न्यूरालजिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्प्यूटेशन, न्यूरालजिया मीन्स पेन इन नर्व्स ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्प्यूटेशन. एम्प्यूटेशन का मतलब होता है कि लिम्ब को रिमूव कर देना, ओके, रिमूवल ऑफ लिम्ब. कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से लिम्ब रिमूव करना पड़ा, या सर्जरी हुई, या कोई ऐसा मेडिकल इलनेस था, ऐसी कोई कंडीशन थी जिसकी वजह से लिम्ब को रिमूव करना पड़ा, तो उसको हम एम्प्यूटेशन कहते हैं. अब उसके बाद जो एब्सेंट पार्ट होता है, जिस लिम्ब को हमने रिमूव कर दिया, अब वहाँ पे जो पार्ट, अब तो वो एब्सेंट पार्ट हो गया ना, वो लिम्ब तो अब नहीं है वो बॉडी में, वो लिम्ब तो अब रिमूव हो गया है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टम्प. तो उस स्टम्प में न्यूरालजिया, उस स्टम्प की नर्व्स में पेन होना, ठीक है, न्यूरालजिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्प्यूटेशन. एम्प्यूटेशन का मतलब होता है लिम्ब्स को रिमूव कर देना. तो जब लिम्ब्स को रिमूव कर दिया गया, तो अब उस जो
चीज़ है, अब उसको हम बोलेंगे स्टम्प, और उसमें उसकी नर्व्स में पेन होना उसको बोलेंगे न्यूरालजिया। तो ये एज इट इज़ जो है लाइन पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि न्यूरालजिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्प्यूटेशन, तो ये किस में है, एलियम सीपा में है। तो इस चीज़ को, इस लाइन को ज़रूर याद रखें कि न्यूरालजिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्प्यूटेशन ये किस में है, ये एलियम सीपा में है। बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन, बहुत ज़्यादा जलन वाला पेन होता है। देन कम्स मोडालिटीज़, एग्रवेशन प्रीडोमिनेंटली इन द इवनिंग एंड इन वार्म रूम। एग्रवेशन इसका कहाँ पे होता है, इवनिंग में होता है और वार्म रूम में होता है। ये हमने अभी यहाँ पर भी देखा था कि एग्रवेशन जो है वो इवनिंग में है और ऑन रिटर्निंग टू ए वार्म रूम, ये दोनों एग्रवेशन की यहाँ पे बात हुई थी, ये एग्रवेशन के साइन है दोनों, ठीक है। तो इवनिंग में और रिटर्निंग टू ए वार्म रूम, तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, प्रीडोमिनेंटली इन द इवनिंग एंड इन वार्म रूम। ऐसा पल्स में भी है, मैंने बताया था यहाँ पे जब हम लोग इस पॉइंट को देख रहे थे, तो जब यहाँ पे आया था कि कंपेयर इट विद यूफ्रेशिया एंड पल्स, तो यही चीज़ पल्स में भी है। पल्स का जो मोडालिटीज़ है और एलियम सीपा की जो मोडालिटीज़ है वो दोनों सेम है, और यूफ्रेशिया में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। यूफ्रेशिया में एग्रवेशन हो जाता है ओपन एयर में, ठीक है। तो यूफ्रेशिया जैसे यहाँ पर भी हमने देखा था नेजल डिस्चार्ज और लेक्राइमेशन में जब बात किया था, तब भी हमने देखा था कि एलियम सीपा और यूफ्रेशिया जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और यहाँ पर भी मोडालिटीज़ में भी यूफ्रेशिया और एलियम सीपा एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एलियम सीपा को ओपन एयर में अगर एमिलिएशन है तो यूफ्रेशिया को उसमें एग्रवेशन होता है, ठीक है। और इसका एमिलिएशन जो है कोल्ड एंड ओपन एयर, इन कोल्ड रूम एंड ओपन एयर, सेम इन पल्स, पल्स में भी यही चीज़ है। तो पल्स का और एलियम सीपा का जो मोडालिटीज़ है वो सेम है, यूफ्रेशिया ऑपोजिट है, हर मैटर में ऑपोजिट है, मोडालिटीज़ में भी ऑपोजिट है, एंड इवन यहाँ पे जो हमने देखा था नेजल डिस्चार्ज और लेक्राइमेशन वाले में उसमें भी ऑपोजिट है। कंपेयर इट विथ रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री टू फॉस्फोरस पल्सिटला एंड थूजा। कॉम्प्लीमेंट्री है ये पीपीटी के, फॉस्फोरस पल्सिटला एंड थूजा, जस्ट टू लर्न, इसको मैंने कोड दे दिया है पीपीटी। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, प्रेसिपिटेट को पीपीटी लिखते थे, तो वही पीपीटी मैंने यहाँ पे इसको, जस्ट टू कीप दिस इन माइंड, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू पीपीटी, दैट इज़ फॉस्फोरस पल्स एंड थूजा। Compatible before calcarea and cilicia and polyps and similar to euphrasia, but coryza and lacrimation are opposite, ठीक है। euphrasia के similar है लेकिन coryza में और lacrimation में opposite है, even modalities में भी opposite है, okay। So in next video we'll discuss the next medicine, that is allosocotrienol. Thank you so very much.